आज पूरी मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान का हर शहरी, हर मकातबे फिक्र से तल्लक रखने वाला, हर सियासी हमदर्दी रखने वाला किसी भी सियासी जमात से, खाए आज वो इस ईमान में है या पाकिस्तान में किसी जगह है या दुनिया में किसी जगह है, बल्कि इससे भी बढ़कर मैं ये कहूंगा कि हर वो शख्स जो इंसानियत पर यकीन रखता है, जो इंसानियत की कदरों पर यकीन रखता है, जो इंसानी हकूक पर यकीन रखता है, आज उसका दिल दुखी है। और ये काफी अरसे से, जब से इज़राइल मार्ज़े वजूद में आया, फिलिस्तीनियों के लिए जिंदगी तंग करके रख दी गई, उन पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए, उन पर इतने जुल्म हुए कि जिसकी मिसाल शायद तारीख में ढूंढनी इतनी आसान ना हो। जनाब स्पीकर, मुझे ये बात करते हुए कोई बात नहीं है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि फिलिस्तीनी कमजोर, उम्मत इस्लामिया कमजोर, इसराइल ताकतवर है और उसके हवारी बहुत ही ताकतवर। उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो ममालिक खड़े हैं, वैसे तो इंसानी हकूक की बात करते वो थकते नहीं, छोटी छोटी बातों पर तो इतने बड़े बड़े केसेस बना लेते हैं, इतने बड़े बड़े उनके दावे होते हैं कि इंसानी हकूक की वहां पर खिलाफवर्जी होगी, इंसानी हकूक की वहां पर खिलाफवर्जी होगी। वो जानवरों की हकूक की खिलाफवर्जी की बात करते हैं, वो एनवायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इज़राइल जिस बेईमाना तरीके से, जिस खौफनाक अंदाज से, जिस जुल्म के साथ वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उनका खून कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज इस ग्लोब की, इस कुर्रा अर्ज की सारी इंसानियत को खड़े होकर ये बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। कमजोर और ताकतवर की ये जंग है और ताकतवर अपने ताकत के नशे में हर वो हद क्रॉस कर रहा है जो इंसानियत की तजलील है। जनाब स्पीकर, कहां गया जनीवा कन्वेंशन, कहां गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहां गया सलामती काउंसिल, कहां गई है यूएनओ, कहां गई वो सारी तंजीमें जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आज तो ये हो रहा है जनाब स्पीकर कि स्कूलों पर बमबारी करके मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, अस्पतालों को नहीं बख्शा जा रहा है, मरीजों को मार दिया जाता है, मरे हुए लोगों को भी बम्बार्डमेंट करके और मारा जा रहा है। और हद तो यह है कि कल परसों जो कुछ हुआ ईरान में, उसकी मिसाल कहां मिलती है? क्या ये जो बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी या इंसानियत की बात करने वाले, इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करने वाले, बैनुल अक्वामी हदों की तहफ़ की बात करने वाले, मुल्कों की सोवरेनिटी की बात करने वाले, इंडिपेंडेंस की बात करने वाले, उन्होंने क्या कहा है? इस्माइल हानिया को नहीं मारा गया, ये इन तमाम, वो जो तमाम नॉर्म्स थे, वो जो तमाम वो इखलाकियात थी बैनुल अक्वामी, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए कि वो ताकतवर हैं और जिनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है वो कमजोर। सबको पता है, हमें भी पता है, लेकिन जनाब स्पीकर, आज इस्माइल हनिया और उसके खानदान की ये जो कुर्बानी, फिलिस्तीनी जो कुर्बानियां दे रहे, उसकी मिसाल भी तारीख में नहीं है। लेकिन ये भी एक अजीब इत्फाक कि फिलिस्तीन की आजादी की अगर जंग हो, वो अपने मुल्क की आजादी के लिए उनके मुल्क पर कब्जा हो, उसको कोई और मानी पहना दिए जाते, कश्मीर की बात हो तो उसका एक और बात की जाती है,
लेकिन अगर यही मसला कहीं और दरपेश हो तो फौरी तौर पर उसका हल निकल आता है। यूनाइटेड नेशंस भी जो है वो हरकत में आ जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शुरू हो जाता है और बैन अल-अक्वामी इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो भी चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इस पर सोचने की ज़रूरत है। हम आज ये खुशाइन बात है कि हम सब ने मुतफिका तौर पर ये करारदाद मंजूर की है, उस पर मैं सबको डिवाइड के उस तरफ भी और इस तरफ भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, हम भी क्यों उस तरीके से उनकी मदद नहीं कर सकते? किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं है? किसी को हमारा डर क्यों नहीं है? उसकी भी एक वजह है कि हमने अपने मामलात को बहुत उलझा लिया। हम अपने मुल्क की हालात के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमने उनको उनका सामना करना था, मिलकर एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, एक होश के साथ वो हम नहीं कर रहे। हम भी तकसीम हैं। हम छोटी छोटी पेटी पॉलिटिक्स जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। खाए हमारी इकॉनमी हो, आज हमारी कौन बात सुनेगा? हमने अपना फर्ज शायद अदा किया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस वक्त वही इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू जब कांग्रेस को खताब करने के लिए जाता है अमरीका, तो उसके हर फिक्रे के ऊपर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है। वो दे रहे हैं जो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, जो हमें सबक देते हैं, जो हमें हमेशा ये कहते हैं कि इंसानी हकूक जो है वो वहां उसकी खिलाफ वर्जी होगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो ये कौन सी, ये कहां की इंसानी हकूक की अलंबरदारी है कि एक तरफ तो खून बहाया जा रहा हो और वो खड़े होकर कहता है कि जो कुछ मैंने किया है मैंने ठीक किया है, इससे ज्यादा भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये है पूरी दुनिया इस वक्त एक तरफ और चंद ममालिक एक तरफ। जनाब स्पीकर, जितना भी दुख किया जाए इस्माइल हानिया की इस शहादत पर वो कम है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मैं ये एक बात यहां जरूर इस हाउस के सामने रखना चाहूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज में ताकत हो, जब हम कोई आवाज बुलंद करें, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, एटमी ताकत है, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? इसलिए नहीं सुनी जाती जनाब स्पीकर, वजीर आजम साहब मौजूद हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन के रहनुमा और जुमा यहां मौजूद हैं, कि हम बहुत छोटे छोटे मसाइल में हमने उलझ कर अपना सारा जो निजाम था उसको तबाह कर लिया। हम किसी चैलेंज को भी बहसियत कौम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी भी मुश्किल को बहसियत कौम खड़े होकर उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने आप को एक ऐसे गर्दाब में फंसा लिया है कि हमें खुद नहीं समझ लग रही कि हम कहां पर हैं और किस तरह इससे बाहर निकलना है। जनाब स्पीकर, जब तक हम अपने पांवों पर खड़े होने के काबिल नहीं होते, जब तक हम माशी तौर पर ताकतवर नहीं होते, तादाद तो हमारी बहुत ज्यादा है, कितनी तादाद है इसराइल की, कितनी पॉपुलेशन और कितनी आपकी है, इर्द गिर्द जो मुसलमान ममालिक है उनकी कितनी आबादी है, कितनी ताकत है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हम सब मिलकर भी कमजोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है, इसलिए कि मैं समझता हूं कि वो अपने मुल्क को, अपने माशरे में उन्होंने बहुत सारे मामलात को इस तरह का कंट्रोल किया है जिससे एक माशरा मजबूत और ताकतवर होता है, और उसके पीछे जो कुव्वतें खड़ी हैं उनसे हम सब लोग खाइफ, हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से उनके मामलात के आगे मजबूर और बेबस और बेखस। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है। मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ, हम कहाँ फंसे हुए? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, यहाँ तो कभी हमने बहस नहीं की इस पर कि हम किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकलें, किस तरह इन चैलेंजेस से ओहदा भरा हूँ। बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कानूनदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं,
बड़े बड़े अच्छे, मैं समझता हूं कि हम सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यहां एक मेंबर भी ऐसा नहीं है ना हाउस के अंदर ना गैलरी में बैठे हुए लोगों में से जो पाकिस्तान से टूटकर मोहब्बत ना करता हो, जो पाकिस्तान से इश्क ना करता हो। लेकिन उसके बावजूद क्या है, हमने एक दूसरे का चेहरा खराशें डाल डाल कर खराब कर दिया, हमने एक दूसरे का चेहरा बगाड़ कर रख दिया, हमने बहसियत कौम अपने आप को तकसीम कर ली है, तकसीम दर तकसीम, कभी मजहब के नाम पर, कभी माशरे के नाम पर, कभी जबान के नाम पर, कभी इलाकाई तकसीम कर करके हमने छोड़ा क्या। खुदा के लिए ये करारदादें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ताकत जब आएगी, जब पाकिस्तान में हम आंगी होगी, यकसुई होगी, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, जब लोगों को पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं, ये एक एटमी ताकत है, फिर जब आप इसराइल को कहेंगे कि खबरदार कल अगर तुमने यहां पर बम्बार्डमेंट की, कल अगर तुमने फिलिस्तीनियों का खून बहाया तो हम इसका बदला लेंगे, तो वो सुनेगा ये बात, आज नहीं सुनेगा। तो आए सबसे पहले हम अपने घर को ठीक करें, आए हम अपने घर को ठीक करें, और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें। सियासत करें, जरूर सियासत करें, आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आजाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। और यहां बैठकर जो आप बात करें वो हम आंगी की करें, और जो हमें दरपेश मुश्किलात हैं आपको भी पता है जनाब, हमें भी पता है, उन पर भी तो बात की जाए। और आखिर में ये मैं कहूंगा कि मैं फिलिस्तीनी अवाम को, उन माओं बहनों और बेटियों को खराज तहसीन और अकीदत पेश करना चाहता हूं, मैं कश्मीर के उन अजीम दोस्तों को जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, और उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि जुल्म और बर्बरियत की रात जितनी भी स्याह हो, जितनी भी काली हो, जितनी भी गंभीर हो, लेकिन एक ना एक दिन किसी सवेरे के इंशाल्लाह ताला दाजरीज पर उसको दम तोड़ना पड़ता है, और एक सूरज तलू होगा, और वह इंशाल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की आज़ादी का होगा और कश्मीर की आज़ादी का होगा। शुक्रिया। शुक्रिया जी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।